अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। होप सारे अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे घरों में। तो आज एक और नया लेक्चर लाया है मैंने आपके लिए फ्रॉम द एनिमल किंगडम, एंड द लेक्चर इज अबाउट द हेमिकॉर्डेट्स। तो कल जैसे कि हमने फाइलम इकाइनोडर्मेट्स कंप्लीट किया था, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज फाइलम हेमिकॉर्डेटा। और पढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि जब भी आप इस वाले वीडियो लेक्चर को आप यूट्यूब पर देखोगे, प्लीज एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, और जो मेरी चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से चलते हैं हम टुवर्ड्स द हेमिकॉर्डेट्स, हम इसको जल्दी से खत्म कर देते हैं। तो हेमिकॉर्डेट्स बहुत ही छोटा सा फाइलम है, ठीक है, बहुत सा छोटा सा फाइलम है ये, और इसके बारे में उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन बुक्स में भी नहीं दी होती। ये जो हेमिकॉर्डेटा है, एक्चुअली दिस हेमिकॉर्डेटा ये फाइलम कॉर्डेटा में आता है, ठीक है, दिस वॉज प्लेस्ड अंडर द फाइलम कॉर्डेटा। लेकिन फाइलम कॉर्डेटा से देखो, पहले में 1825 का ये जे एफ एस स्कॉल्टस, एसिच स्कॉल्टस है ये, एसिच, एस चेस, जे एफ स्कॉल्टस आप लिखो यहां पर, जे एफ स्कॉल्टस थे जिन्होंने 1825 को मलेशिया आइलैंड्स में डिस्कवर किया। क्या इसने डिस्कवर किया? ही डिस्कवर्ड ए वर्म नोन एज ब्लैनोग्लॉसस। तो एक वर्म इसने डिस्कवर की, दैट वर्म वाज नोन एज ब्लैनोग्लॉसस। तो स्कॉल्टस जो ये एस स्कॉल्टस थे, इसे 1825 जे एफ स्कॉल्टस ने इन 1825 में एक वर्म मर्शिला आइलैंड्स जो थे, मलेशिया आइलैंड्स, दैट मींस या आप इसको मशीला आइलैंड्स बोलो या मलेशिया आइलैंड्स आप बोलो इसको, तो मलेशिया आइलैंड्स और तो मशीला आइलैंड्स पर इसने एक वर्म को डिस्कवर किया, एंड दैट वर्म वॉज ब्लैनोग्लॉसस। वो वर्म कौन थी? ब्लैनोग्लॉसस। उसके बाद देखो, उसके बाद जो एक और साइंटिस्ट आए, दैट वाज नोन एज बेटसन। तो बेटसन ने क्या किया? बेटसन प्लेस्ड दीज ब्लैनोग्लॉसस, इसने इन ब्लैनो वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म्स को, जिसमें ब्लैनोग्लॉसस वन ऑफ द एग्जांपल इज ब्लैनोग्लॉसस, बेटसन ने इसको फाइलम कॉर्डेटा में रख दिया, प्लेस्ड देम इन फाइलम कॉर्डेटा, देम इन फाइलम कॉर्डेटा। तो फाइलम कॉर्डेटा में किसने रखा था इनको? दीज वर्म लाइक एनिमल्स नोन एज वन ऑफ द एग्जांपल इज ब्लैनोग्लॉसस, इसको फाइलम कॉर्डेटा में किसने रखा? बेटसन ने। लेकिन उसके बाद आई थिंक 1959 और समथिंग कुछ ऐसा ही था, 1959 और कुछ, तो हाइमन सेपरेटेड। हाइमन एक और साइंटिस्ट थे, हाइमन ने क्या किया? ही सेपरेटेड दीज वर्म लाइक एनिमल्स फ्रॉम कॉर्डेटा, सेपरेटेड दीज एनिमल्स फ्रॉम कॉर्डेटा। इसने कॉर्डेटा से उनको क्या निकाल दिया, सेपरेटेड फ्रॉम दीज एनिमल्स फ्रॉम कॉर्डेटा, एंड प्लेस्ड, और उनको कहां प्लेस किया? एंड placed them in the separate phylum, उनको एक separate सा phylum दे दिया, placed them in separate phylum, एक separate phylum उनको दे दिया, और उस separate phylum का नाम रख दिया Hemichordata, Hemichordata. तो that means Hemichordata जो था, Hemichordata actually these Hemichordates, ये जो Hemichordates थे या Hemichordata था, it was actually included in the phylum Chordata. ये पहले phylum Chordata के ही members गिने जाते थे, but
फिर उसके बाद हाइमन आए, हाइमन ने इसको निकाल दिया फ्रॉम द फाइलम कॉर्डेटा और इसको एक सेपरेट फाइलम में रख दिया, दैट सेपरेट फाइलम इज नोन एज हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, तो दिस वाज अ लिटिल बिट हिस्ट्री रिगार्डिंग द हेमिकॉर्डेट्स, ये थोड़ी बहुत हिस्ट्री थी रिगार्डिंग द हेमिकॉर्डेट्स। और अब जाके हम चलेंगे सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेमिकॉर्डेट्स। तो हेमिकॉर्डेट्स उतना ज्यादा डाइवर्सिफाइड फाइलम नहीं है, बहुत ही कम डाइवर्सिफिकेशन इसमें हमें मिलती है। और देखो ये जो हेमिकॉर्डेटा है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द टर्म हेमिकॉर्डेटा, अगर मैं हेमिकॉर्डेटा की बात करूं, जो हेमिकॉर्डेटा है, हेमी मींस हाफ, हेमी का मतलब हो गया हाफ, एंड कॉर्डेटा मींस दे आर हाफ कॉर्डेट्स, तो इनको हम हाफ कॉर्डेट्स भी कहते हैं, दे आर नोन एज हाफ कॉर्डेट्स, हाफ कॉर्डेट्स। और ये जो फाइलम हेमिकॉर्डेटा है, फाइलम हेमिकॉर्डेटा एक्चुअली इट एक्ट्स एज अ लिंक, ये दो फाइलम्स के दरमियान, इनवर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के दरमियान ये एक कनेक्टिंग लिंक है, इट्स ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, द फाइलम हेमिकॉर्डेटा ये एक कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के दरमियान ये एक कनेक्टिंग लिंक एक्ट करता है, क्योंकि इसमें कॉर्डेट्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इन हेमिकॉर्डेटा के मेंबर्स में कॉर्डेट्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और नॉन कॉर्डेट्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो देयरफॉर इट एक्ट्स एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। अब देखो इसमें एक वन ऑफ द फेमस एग्जाम्पल ऑफ द हेमिकॉर्डेट्स इज ब्लैनोग्लॉसस, इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है ब्लैनोग्लॉसस, जिसको हम एक्रॉन वर्म भी कहते हैं और टंग वर्म, एक्रॉन वर्म और इसको हम टंग वर्म भी कहते हैं, टंग वर्म। तो ये ब्लैनोग्लॉसस एक्चुअली ब्लैनोग्लॉसस एक्ट करती है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, तो ब्लैनोग्लॉसस क्या है, इट्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, लेकिन ये ब्लैनोग्लॉसस किसका मेंबर है, हेमिकॉर्डेट्स का, इसीलिए मैंने कहा कि हेमिकॉर्डेट्स एक्ट करते हैं एज अ लिंक बिटवीन द कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, इनमें कॉर्डेट्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और नॉन कॉर्डेट्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और ये जो ब्लैनोग्लॉसस है, ये ब्लैनो देखो मैंने हाँ ब्लैनोग्लॉसस जो है, ब्लैनोग्लॉसस को भी वहीं पर छोड़ो, मैंने कहा कि हेमिकॉर्डेट्स दे एक्ट एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, और इसी में अगर मैं ब्लैनोग्लॉसस की बात करूं, ब्लैनोग्लॉसस, तो ब्लैनोग्लॉसस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द फाइलम इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा, तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, इट्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा किसका मेंबर, इकाइनोडर्मेटा किसमें आता है, नॉन कॉर्डेट्स में आता है, बिटवीन इकाइनोडर्मेट्स एंड कॉर्डेट्स, और कॉर्डेट्स और इकाइनोडर्मेट्स फाइलम के दरमियान एक जो कनेक्टिंग लिंक है दैट इज ब्लैनोग्लॉसस, तो ब्लैनोग्लॉसस को हम कहते हैं इट्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द कॉर्डेट्स एंड इकाइनोडर्मेट्स। ठीक है यादव, नाउ ये तो यहां तक हो गया कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हेमिकॉर्डेट्स के हैं, हेमिकॉर्डेट्स को हम हाफ कॉर्डेट्स कहते हैं, हेमिकॉर्डेट्स का एक वेल नोन ऑर्गेनिज्म कौन है, ब्लैनोग्लॉसस है, जिसका नाम रखा गया है पॉपुलरली नेम इसका क्या है, एकॉर्न वर्म और टंग वर्म। ठीक है, और ये जो हेमिकॉर्डेट्स है, हेमिकॉर्डेट्स जो फाइलम हेमिकॉर्डेटा है, हेमिकॉर्डेटा एक्ट करता है एज ए ब्रिज, एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स को जो आपस में मिलाता है वो कौन मिलाता है, हेमिकॉर्डेट्स, क्योंकि हेमिकॉर्डेट्स में हेमिकॉर्डेट्स में नॉन कॉर्डेट्स के भी करेक्टर होते हैं और कॉर्डेट्स के भी करेक्टर होते हैं,
एंड दिस ब्लैनोग्लॉसस, ये जो मेंबर है ब्लैनोग्लॉसस हेमिकॉर्डेट्स का, ब्लैनोग्लॉसस ये भी एक कनेक्टिंग लिंक है, ये दो फाइलम्स को जोड़ता है, दैट मींस नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स को ये जोड़ता है। क्यों जोड़ता है? क्योंकि इस ब्लैनोग्लॉसस में इकैनोडर्मेट्स के भी करेक्टर हैं और कॉर्डेट्स के भी करेक्टर हैं, तो इसीलिए जिसमें दो फाइलम्स के करेक्टर होंगे उसको हम कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। तो ये ब्लैनोग्लॉसस यहां पर बन गया कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द इकैनोडर्मेट्स एंड कॉर्डेट्स। एंड समटाइम्स ऑब्जेक्टिव ऑन दिस कम्स, ऑब्जेक्टिव इस पर आ जाता है ब्लैनोग्लॉसस पर। तो चलिए अब हम चलते हैं टुवर्ड्स सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम सब फाइलम्स में पढ़ते हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। वैसे हम इसमें भी अब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स चलेंगे। अब देखो पहला वाला कैरेक्टर हेमिकॉर्डेट्स का, जो हेमिकॉर्डेट्स हैं इनकी बॉडी वर्म लाइक होती है, बॉडी इज वर्म लाइक। पहले मैं हैबिटेट की बात करूं, बॉडी छोड़ो बाहर, पहले मैं हैबिटेट की बात करूं। तो अब हैबिटेट आप मुझे बताओगे कि हैबिटेट इनका क्या होता है? ये उन तीन फाइलम उसमें एक फाइलम है जो टोटली एंड टोटली एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। हेमिकॉर्डेट्स जो है, हेमिकॉर्डेट्स इनका हैबिटेट क्या होता है? देयर हैबिटेट इज दे आर एक्वाटिक, दे आर एक्वाटिक होते हैं, बट एक्वाटिक में दे आर मोस्टली फाउंड इन, दे आर टोटली फाउंड इन, किस में फाउंड किए जाते हैं? इन मैरीन वाटर्स, मैरीन वाटर्स, ये मैरीन वाटर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो दिस द फर्स्ट थिंग यू शुड रिमेंबर, आपको ये पहली चीज आपको समझ आनी चाहिए कि ये इनका हैबिटेट क्या होता है। ये टोटली एंड टोटली एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। खाली तीन ऐसे फाइलम से जो एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, एक तो टीनोफोरा है, दूसरा इकाइनोडर्मेटा है और तीसरा हेमिकॉर्डेटा है। दीज आर एक्सक्लूसिवली मैरीन एनिमल्स। अब हैबिटेट की जब हमने बात की है तो पानी में तो रहते हैं ये, मैरीन वाटर्स में रहते हैं, लेकिन ये मैरीन वाटर्स फॉर एग्जाम्पल ये समंदर है, दिस इज सी, दिस इज सी, और सी का ये बॉटम है और यहां पर ये इसमें क्या है, दिस इज द सॉलिड सरफेस, नीचे मिट्टी है, समंदर के नीचे जो मिट्टी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज सैंड। अब ये इसी सैंड में, इसी बॉटम में ये जो ब्लेनोग्लासेस है ये बरोज बनाता है। ये क्या बना देता है? बरोज। ये नीचे ये सी जो है, सी के बॉटम पर जो ये मिट्टी होती है, तो मिट्टी के अंदर ये क्या बना देता है? बरोस, ये ट्यूब्स बना देता है। तो दैट मींस एक तो ये मैरीन वाटर में रहते हैं और ये क्या है, ट्यूब डेवलर्स, दे लिव इन बरोस, ट्यूब डेवलर, ये ट्यूब डेवलर्स है, दे लिव इन बरोस, दे लिव इन बरोस, तो ये बरोस में रहते हैं। ठीक है, बीनीथ द वॉटर्स, ये कहां पर रहते हैं? इनसाइड द बरोस, ये बरो फॉर्मेशन करते हैं सीज के अंदर, जो मिट्टी होती है, जो नीचे बॉटम पर जो मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर ये क्या बनाते हैं अपने नेस्ट्स, व्हाट नेस्ट्स, बेसिकली दे फॉर्म द बरोस, और उसी बरो में ये क्या हमेशा रहते हैं, दे नेवर कम आउट ऑफ बरोस, ये कभी भी बाहर नहीं निकलते हैं बरोस। ठीक है, सारा कुछ खाना पीना रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन सारा कुछ यही बरोस में ही होता है। तो यहां पर मैं बना दूंगा, दिस इज फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ब्लैनोग्लॉसस, ये इसमें वर्म एक है, दैट इज ब्लैनोग्लॉसस। तो दे लिव इन साइड द मैरिन वाटर्स एंड दे आर ट्यूब डेवलर्स, ये बरोज बनाते हैं। अब देखो यहां पर एक और चीज मैं बता देता हूं इनके बारे में, ब्लैनोग्लॉसस के बारे में। पहले मैं यहां पर ब्लैनोग्लॉसस थोड़ा सा ड्रा कर लू, ब्लैनोग्लॉसस, इफ आई विल ड्रा द ब्लैनोग्लॉसस इट विल बी लाइक जस्ट दिस।
दिस इज ब्लैनोग्लॉसिस। Now this is blanoglossus, hemichordate, body is worm like, body is ki worm like hoti hai, aise. Now this is his collar. Proboscis, not collar, it is proboscis. Proboscis, then it is collar. Teen parts hote hai iski body ke, proboscis, collar and trunk. ठीक है, तो देखिएगा जो एनसीईआरटी में कभी एनसीईआरटी में थोड़ी सी इसकी ये जो रिप्रेजेंटेशन है पार्ट्स की वो कुछ एनसीईआरटी में गलत दी गई है, बट द करेक्ट सीक्वेंस इज दिस, proboscis, collar and trunk. और यहां पर एनएस होता है, दिस इज एनएस. तो वर्म लाइक है ये, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है इसकी. तो हेमिकॉर्डेट्स में ये तो छोड़ो आप, यहां पर इसका माउथ यहां पर होता है, वेंट्रल साइड ऑफ द कॉलर, दिस इज माउथ, ये माउथ है इसका. अब देखो हम अभी पढ़ रहे थे कि जो इसका हैबिटेट होता है, हैबिटेट एक्चुअली क्या होता है इसका, मैरीन होता है और ये ट्यूब्स बनाते हैं, बरोज बना देता है इनसाइड द वॉटर्स, जो मिट्टी होती है, जो बॉटम होता है एक सी का, वहां पर जो मिट्टी होती है उसमें ये क्या बना देता है, बॉरोज बना देता है और अपनी जिंदगी वहीं पर बसर कर देता है. नाउ इसके अलावा ये खाता क्या है, अगर देखो मैंने कहा कि ये कभी भी बॉरोज से बाहर नहीं निकलता है, तो पहला चीज इसमें क्या आता है, क्या हाउ ही फीड्स ऑल दैट हेमिकॉर्डेट और ब्लैनोग्लॉसिस, ये कैसे फीडिंग कैसे ये करता है, इट इज नोन एज अ फिल्टर फीडर. ये आप याद रखोगे, फिल्टर फीडर, इसको हम फिल्टर फीडर कहते हैं. अब देखो फिल्टर फीडर क्या है, ये जमीन में, ये समंदर के अंदर, जमीन के अंदर समंदर, दिस इज वॉटर, ठीक है, ये वॉटर है और यहां पर ये बॉटम ऑफ द सी है और यहां पर इसने अपना क्या बना दिया है, अपना बरो बना दिया है और ये इसी बरो के अंदर है. अब ये खाता क्या है, नाउ ये खाता क्या है, तो ये बेसिकली खाता है सॉइल, मिट्टी, ये मिट्टी को खाता है, ठीक है, सॉइल और ये वाटर, सॉइल एंड वाटर. अब देखो इसकी बॉडी पर बहुत सारे सीलियाज होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसकी बॉडी पर, बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको ये क्या करता है, जिनको ये वाइब्रेट करता है और जिनसे ये, जब ये वाइब्रेटिंग को करता है तो वाटर जो पानी होता है बॉडी के अंदर जो पानी आ जाता है, तो वो इसके जब ये ऐसे ऐसे करता है इनको सीलिया को, तो ये इसके बॉडी के अंदर ये पानी जाता है और फिर उसके बाद क्या करता है, ये पानी को फिल्टर करता है, आफ्टर टेकिंग दैट वाटर इनसाइड फिल्टर्स वाटर, ये फिल्टर करता है वाटर को, वाटर में जो भी प्लैंकटन होगा, जो भी एक प्रोटोजोअन होगा या जूप्लैंकटन होगा, उसको वो निकालता है, जो अच्छी अच्छी चीजें होती है वाटर में उसको वो निकालता है और जो इसके चीज की जो इसको फायदा नहीं देगी उसको वो बाहर निकालता है. तो दैट मींस ये पहले वाटर इनटेक करता है, उसके बाद उसमें उसको फिल्टर करता है, अच्छी अच्छी चीजें निकालता है और जो बाकी पानी है उसको बाहर निकाल देता है. इसी तरीके से ये सॉइल को भी क्या करता है, ये सॉइल इनटेक करता है, ये सॉइल को खाता है और सॉइल को ये खा के क्या करता है, उसके बाद उसमें ये पहले सॉर्ट करता है, उसके बाद जब ये खाता है सॉइल को उसमें, उसके बाद इसको सॉर्टिंग करता है कि इसमें अगर कोई जूप्लैंकटन है, अगर कोई फाइटोप्लैंकटन है, अगर कोई प्रोटोजोआ है, ये उसको निकालता है, ठीक है, ये खाली उस सॉइल में से उन चीजों को निकालता है, बाकी सॉइल को ये बाहर क्या करता है, बाहर रिमूव कर देता है. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फिल्टर फीडर. इसको हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज फिल्टर फीडर. तो ये बात आप याद रखोगे, इट इज नोन एज फिल्टर फीडर. तो आई थिंक फिल्टर फीडर का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ आ गया.
अब देखो ये तो क्या था, ये तो न्यूट्रिशन था इसका, कि ये कैसे करता है, इट इज अ फिल्टर फीडर, ये फिल्टर फीडर होता है। अब देखो ये रिप्रोडक्शन भी वहीं पर करता है, बड़ों में ही करता है, एक्सक्रीशन भी वहीं पर करता है। देखो एक्सक्रीशन, अगर मैं एक्सक्रीशन की बात करूं, देखो ये फॉर एग्जाम्पल ये कुछ एक्सक्रीटिव, मैं डेफिसेशन बोलूंगा, डेफिसेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल इज नोन एज डेफिसेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल को ये रिमूव करता है थ्रू द एनस इन द फॉर्म ऑफ, या ऐसे वो चट्टे से बना देता है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो उनको हम वर्म कास्टिंग्स कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वर्म कास्टिंग्स, वर्म कास्टिंग्स। तो रिमोल ये डिफिसेशन करता है, एंड दैट डिफिसेशन उसमें क्या होती है, वर्म कास्टिंग्स। तो जो भी ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, ये एक मास, या वहां पर एक दैट मींस मास ऑफ दैट अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल बाहर निकालता है थ्रू द एनस, और दैट इज नोन एज वर्म कास्टिंग, उसको हम क्या कहते हैं, वर्म कास्टिंग्स, ठीक है। अब देखो ये एक्सक्रीशन भी वहीं पर कर रहा है, ये न्यूट्रिशन भी वहीं पर कर रहा है, अब है इसकी रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के लिए इसको बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए इसको फीमेल तक जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये जो हेमिकॉर्डेट होता है, हेमिकॉर्डेट्स में सेपरेट सेक्सेस होते हैं, मेल अलग होता है फीमेल अलग होता है, तो रिप्रोडक्शन के लिए इसको बाहर आना पड़ेगा। लेकिन ये कहता है कि भाई मैं नहीं, मुझे बाहर नहीं आना है, मैं यहीं पर रिप्रोडक्शन में यहीं पर करूंगा, मैं सारा कुछ काम यहीं पर करूंगा, लेकिन मुझे बाहर बड़ों से नहीं आना है। तो रिप्रोडक्शन ये कैसे करेगा, रिप्रोडक्शन ये बेसिकली क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज मेल ब्लेनोब्लास्ट, ये एक्सक्रीट करेगा, इट विल रिलीज, ये रिलीज क्या करेगा, इट विल रिलीज स्पर्म्स, ये रिलीज करेगा स्पर्म्स इन टू द वॉटर, ये वॉटर में रिलीज करेगा स्पर्म्स, और ये ऐसा ही सोचता है कि देयर शुड बी देयर मे बी देयर इज फीमेल ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड से कोई फीमेल होगी, तो शी विल रिसीव दैट स्पर्म्स। तो जब ये स्पर्म्स रिलीज करेगा वहां से, फॉर एग्जाम्पल किसी दूसरे बारो में एक फीमेल है, वो भी एग्स रिलीज करेगी, तो जब एग्स और स्पर्म्स रिलीज होते हैं इनसाइड द वॉटर, और वाटर में ही एग्स और स्पर्म्स की क्या हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, दैट मीन्स इनकी फर्टिलाइजेशन क्या है, फिर फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, और इनकी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, तो फर्टिलाइजेशन इनकी एक्सटर्नल है, दे आर हैविंग सेपरेट सेक्सेस, हेमिकॉर्डेट्स में सेपरेट सेक्सेस होते हैं, मेल अलग होता है फीमेल अलग होती है, लेकिन चूंकि ये बारोस में ही अपनी पूरी जिंदगी बसर करते हैं, इसीलिए जब ये स्पर्म्स ये बेसिकली क्या करते हैं, फीमेल भी एग रिलीज करती है इनटू द वाटर, मेल भी एग रिलीज करता है इनटू द वाटर, और स्पर्म और एग वाटर में ही मिल जाते हैं, तो उस वाली फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन हो रही है, ठीक है, मेल और मेल स्पर्म और फीमेल एग जो है वो आपस में मिलते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और दैट इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गई, उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद या तो लार्वा बन जाएगा, या तो कभी कभार डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो जाती है, तो इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होती है और डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होती है, लेकिन अगर अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें होगी तो इनमें एक लार्वा आ जाता है, दैट इज नोन एज टॉर्नेरिया लार्वा, टॉर्नेरिया NARIA, टॉर्नेरिया लार्वा। तो डेवलपमेंट डेवलपमेंट इज बोथ, डायरेक्ट डेवलपमेंट भी इनमें होती है एज वेल एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी इनमें होती है। तो वेन देर इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, अगर इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रही है तो देर मस्ट बी द लार्वा, लार्वा कौन होता है इनमें, फिर टॉर्नेरिया लार्वा, टॉर्नेरिया लार्वा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में होता है इनके, ठीक है, यहां तक क्लियर है, गुड। टॉर्नेरिया लार्वा इनका होता है। अब देखो यही मैंने जो डायग्राम बनाई है अभी तक, डायग्राम जो थी, डायग्राम वॉज जस्ट लाइक दिस,
अब ऐसे मैं इसको रखूंगा। नाउ दिस इज एनएस हेयर। दिस इज ब्लैनो ग्लॉसेस, ये इसका प्रोबस्कस है, ये इसका कॉलर है, और कॉलर में ही माउथ होता है ऑन द वेंट्रल साइड, और ये इसका ट्रंक, और इसमें गिल सिलेट्स यहां पर होते हैं और रेस्पायरेशन, ऐसे यू शेप्ड गिल सिलेट्स, यू शेप्ड गिल सिलेट्स होते हैं फॉर रेस्पायरेशन। ठीक है, ब्रांकियल किल्स। ये एलिमेंट कैनाल यहां पर एनएस है इसका, और इसको हम हिपैटिक, यहां पर ये लगे होते हैं, दीज आर, इसको ऐसे में लिखूंगा, हिपैटिक सी के जिसको हम कहते हैं। ये बेसिकली आउटग्रोथ होती है किसकी, गट की, और यहां पर इनको हम जेनिटल विंग्स भी कहते हैं, इधर उन्हें जेनिटल विंग्स। ये तो हो गए गिल सिलेट्स, और इनको हम देखो ना, दीज आर नोन एज जेनिटल विंग्स। जेनिटल विंग्स, ठीक है। अब देखो ये माउथ हो गया इसका, यहां पर अब हेमिकॉर्डिट्स जो है, हेमिकॉर्डिट्स में अब हम लेते हैं सम जनरल करेक्टरिस्टिक्स जो हम लेते हैं, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहले हम लेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनकी क्या है, दे आर एडवांस्ड। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनकी क्या होगी, दे आर हैविंग और दे आर हैविंग ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। तो इनमें ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और अब दूसरा वाला बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हम लेंगे इनका, दैट इज इनकी इनकी जो बॉडी प्लान, व्हाट इज द बॉडी प्लान, बॉडी प्लान इनका कैसा होता है। They are having mouth, they are having anus. So that means tube within the tube body plan, complete alimentary canal, tube body plan, tube within tube body plan होता है इनका। That means complete alimentary canal होती है इनकी। Now the third characteristic is इनकी body symmetry, body symmetry. तो बॉडी सिमेट्री क्या है, इट्स बाइलेटरल, बाइलेटरल सिमेट्री इनकी होती है। अब इनकी सीलोम, सीलोम जो होते हैं दे आर ट्रू सीलोमेट्स, यू सीलोमेट्स, ट्रू सीलोमेट्स होते हैं ये। और सीलोम भी किस किस्म की होती है, एंटीरो सीलोम, एंथरो सीलोम। तो तीन ऐसे अभी हमने देखा, एंटेरोसिलोम किसमें था, इकाइनोडर्मेट्स में भी एंटेरोसिलोम थी, और हेमिकॉर्डेट्स में भी एंटेरोसिलोम है, और कॉर्डेट्स में भी एंटेरोसिलोम होती है। ट्रू सिलोमेट्स होते हैं बट दे आर हैविंग एंटेरोसिलोम, ठीक है। तो इसमें भी एंटेरोसिलोम होती है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक विच वी विल टेक ऑफ हेमिकॉर्डेट्स इज इनका जर्म लेयर्स, अबाउट द जर्म लेयर्स। तो जर्म लेयर्स कितनी होंगी इनकी, तीन ही होंगी, एडवांस्ड है, ट्रिप्लो ब्लास्टिक, दे आर ट्रिप्लो ब्लास्टिक, ये ट्रिप्लो ब्लास्टिक होते हैं। अब देखो इनमें कुछ प्रिमेटिव करेक्टर भी है, जैसे कि इकाइनोडर्मेट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम वॉज ओपन, इनमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है इनमें, ओपन टाइप, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम।
और इनमें भी हार्ट डॉर्सल साइड पर होता है, हार्ट इज ऑन द डॉर्सल साइड, यहां पर हार्ट होता है ऑन द डॉर्सल साइड, दिस इज हार्ट। ये हार्ट होता है इनका एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड। तो हार्ट इज ऑन डॉर्सल साइड, जैसे कि इनवर्टिब्रेट्स, जैसे कि नॉन कॉर्डेट्स में होता है, हार्ट इज ऑन डॉर्सल साइड, पीछे की साइड होता है, व्हाइल एज कॉर्डेट्स में वेंट्रल साइड में होता है, हार्ट इज ऑन डॉर्सल साइड। यहां तक क्लियर है? अब देखो, अब इनमें क्या है, माउथ इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, माउथ इनका वेंट्रल साइड पर होता है, ये मैं यहीं पर लिख देता हूं, वेंट्रल साइड। तो माउथ इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड, माउथ इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड, माउथ किस कहां पर प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड पर माउथ प्रेजेंट होता है। तो आई थिंक यहां तक तो ये तो क्लियर हो गया आप लोगों का, ट्रिप्लोब्लास्ट, ये तो जनरल कैरेक्टर्स थे जो आप सबको आते ही है। नाउ मैंने अभी एक कहा था कि सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं, इनमें मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, और इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट हो सकती है या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकती है, और इनमें एक लार्वा होता है, दैट इज टॉर्नेरिया लार्वा इनमें पाया जाता है, और ये क्या, ये इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, दे यूजुअली अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें होती है। नाउ देयर इज अनदर फीचर, इनमें होता क्या है, दैट इज इनमें एक एक नर्व कॉर्ड जैसा होता है, दैट कॉर्ड इज नोन एज सोमाटो डीएम कॉर्ड। देखो नाउ व्हाट इज दिस सोमाटो डीएम कॉर्ड, क्या है दिस कॉर्ड इज एक्चुअली, ये बना होता है, देखो इसको हम बकल, इट इज आल्सो नोन एज बकल डाइवर्टिक्यूलम, बकल इसी की वजह से देखो इनको निकाला गया, डाइवर्टिक्यूलम इसी की वजह से इनको कॉर्डेट से बाहर निकाला गया। देखो कॉर्डेट्स का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, कॉर्डेट्स में प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड होता है, ठीक है, कॉर्डेट्स का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, प्रेजेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड। अब जो नोटोकॉर्ड है, देखा गया जब इनको पहले प्लेस किया गया, किसमें, जब इनको पहले रखा गया कॉर्डेट्स में, तो माना गया कि इनके पास भी एक नोटोकॉर्ड होता है, लेकिन जब उसके बाद इसके बाद इनको देखा गया, मोर स्टडी इन पर हो गई, तो कहा गया कि इनके पास वो एक्चुअली वो नोटोकॉर्ड इनमें प्रेजेंट नहीं होता है, वो जो कॉर्ड है इसमें जो रिप्रेजेंट करता है एज नोटोकॉर्ड, लेकिन इन हेमिकॉर्डेट्स में वो एक्चुअली नोटोकॉर्ड नहीं है, ठीक है, वो मेसोडर्म से नहीं बना है, और वो एक्चुअली जो इनमें ये जो कॉर्ड है, इट इज बेसिकली जो बकल कैविटी है, जो गट है, गट का ही कुछ डाइवर्टिक्यूलम, गट की ही कोई प्रोजेक्शन है, इट इज बेसिकली द गट्स प्रोजेक्शन। ये जो इनमें जो कॉर्ड था, दैट वाज जस्ट रिजेंबलिंग द नोटोकॉर्ड, वो इनमें जो हेमिकॉर्डेट्स में वो जो कॉर्ड था, जो बराबर किसको रिप्रेजेंट करता था, नोटोकॉर्ड ऑफ कॉर्डेट्स को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन अपन फर्दर स्टडी वो देखा गया कि जो इनमें ये जो कॉर्ड एक्चुअली होता है, दिस कॉर्ड इज नॉट नोटोकॉर्ड, ये नोटोकॉर्ड नहीं होता है, बेसिकली ये जो कॉर्ड होता है, ये बकल कैविटी, दैट मींस जो गट होती है, गट की ही कोई प्रोजेक्शन होती है, तो इट इज बेसिकली प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन किसकी है, ये प्रोजेक्शन ऑफ गट, तो गट की ये प्रोजेक्शन है, इसीलिए हम इसको बकल डाइवर्टिक्यूलम भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज बकल डाइवर्टिक्यूलम। स्टोमोडियम कार्ड जो होता है इनमें, दिस स्टोमोडियम कार्ड इज ऑल्सो नोन एज बकल डाइवर्टिक्यूलम, और इस स्टोमोडियम कार्ड को हम पहले कहते थे कि दिस वाज पर्टिकुलरली नोन एज द नोटोकॉर्ड, इसको हम पहले कहते थे कि ये इनका नोटोकॉर्ड है, बट इट वाज नॉट नोटोकॉर्ड, ये इनका नोटोकॉर्ड नहीं था। तो जब ये देखा गया कि ये नोटोकॉर्ड नहीं है, ये मेसोडर्म से नहीं बना है, ये बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ गट है, तो इनको कॉर्डेट से बाहर निकाला गया, और इनको हेमिकॉर्डेट्स फाइलम असाइन किया गया, क्योंकि ये एक्चुअली कॉर्डेट्स नहीं है, ये बराबर कॉर्डेट्स नहीं है, इनमें कुछ कैरेक्टर्स कॉर्डेट्स के जैसे हैं, तो वन ऑफ द डायग्नोस्टिक कैरेक्टर इनमें एब्सेंट है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, इनमें नोटोकॉर्ड है ही नहीं, लेकिन इनमें एक और कार्ड है, दैट इज अ हॉलो कार्ड इनमें होता है, दैट इज नोन एज सोमाटोडियम कॉर्ड, व्हाइल एज जो नोटोकॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड सॉलिड होता है, ठीक है, नोटोकॉर्ड सॉलिड होता है, व्हाइल एज इट इज हॉलो, ये हॉलो है, और नोटोकॉर्ड मेसोडर्म से बना होता है, और ये किसकी प्रोजेक्शन है, इट इज प्रोजेक्शन ऑफ गट, ये प्रोजेक्शन ऑफ गट होती है।
है यहाँ पर, लेकिन इसकी फंक्शन इज लिटिल बिट नोटोकॉर्ड से मिलती थी, दैट वाज इट हेल्प अस एज अ स्केलेटल सिस्टम. ये इसका सोमाटोडियम कॉर्ड, इट एक्ट्स एज अ स्केलेटल सिस्टम, एंडोस्केलेटन ऑफ दैट दिस स्प्लेनोग्लॉसिस और द हेमिकॉर्डियट्स. तो इसमें प्रेजेंस ऑफ सोमाटोडियम कॉर्ड होती है. तो आई थिंक सोमाटोडियम कॉर्ड का कंसेप्ट आपको समझ आए कि व्हाट सोमाटोडियम कॉर्ड इज. सोमाटोडियम कॉर्ड बेसिकली ये प्रोजेक्शन किसकी है, ये गट जो एलिमेंट्री कैनाल है इसकी, जो गट है गट में ही. यहाँ पर अगर मैं ये लिखूंगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक होता है ग्लोमेरुलस जो एक्सक्रीशन के काम भी आता है. ग्लोमेरुलस ये अ टाइप ऑफ किडनी लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलस. ये एक्सक्रीशन के काम भी आता है. यहां पर हार्ट होता है और यहां से देखो यहां पर होता है दिस सोमैटोडियम कॉर्ड. और देखो सोमैटोडियम कॉर्ड कहां पर है, ये खाली कॉलर रीजन में ही पाया जाता है. व्हाइल एज नोटोकॉर्ड हेड टू टेल भी होता है, हेड टू टेल होता है, थ्रू आउट द बॉडी होता है नोटोकॉर्ड. लेकिन ये जो सोमैटोडियम कॉर्ड है, दिस सोमैटोडियम कॉर्ड इज ओनली प्रेजेंट इन द कॉलर रीजन. तो दिस इज द सोमैटोडियम कॉर्ड, सोमैटोडियम कॉर्ड. तो सोमैटोडियम कॉर्ड इसमें कहां पर पाया जाता है, इन द कॉलर रीजन, खाली कॉलर रीजन में ही है इसके लिए. और इसीलिए इसको बाहर निकाला गया फ्रॉम द कॉर्डेट्स, क्योंकि ये सोमैटोडियम एक्चुअली नोटोकॉर्ड नहीं होता है. ठीक है. और ये जो सोमैटोडियम कॉर्ड है, इट इज मेड अप ऑफ वॉक्युलेटेड सेल्स, वॉक्युलेटेड सेल्स जिसमें स्पेसल सेल्स, ठीक है, वॉक्युलेटेड सेल्स का बना होता है ये. एंड इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ गट. ये प्रोजेक्शन किसकी होती है, गट की प्रोजेक्शन होती है. एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड. ये भी कहां पर प्रेजेंट होता है, ऑन डॉर्सल साइड. तो इसका दूसरा नाम क्या है, बकल डायवर्टिक्यूल. ये आप याद रखोगे, इज ऑल्सो नोन एज बकल डायवर्टिक्यूल. तो इट एक्ट्स एज एन स्केलेटन, इट एक्ट्स एज एन एंडोस्केलेटन ऑफ द हेमिकॉर्डेट्स. तो सोमैटोडियम कॉर्ड इनमें प्रेजेंट होता है, बट दे आर नॉट हैविंग द नोटोकॉर्ड. इनमें नोटोकॉर्ड एक्चुअली नहीं होता है, लेकिन इनमें एक दूसरा कॉर्ड होता है, वो हॉलो होता है. हॉलो एक कॉर्ड होता है इनमें. दिस इट इज मेड अप ऑफ वॉक्युलेटेड सेल्स. तो इससे वॉक्युलेटेड सेल्स से ये सोमैटोडियम कॉर्ड क्या बन जाता है, इट बिकम्स द हॉलो, हॉलो कॉर्ड. दिस हॉलो कॉर्ड इज नोन एज सोमैटोडियम कॉर्ड. ठीक है. और बकल डायवर्टिक्यूलम. तो आई थिंक यहां तक सारा क्लियर हो चुका है. दिस वॉज ऑल अबाउट, हमने खत्म कर दिया हेमिकॉर्डेट्स. हेमिकॉर्डेट्स में आप एक एग्जांपल याद रखोगे, दैट इज स्प्लेनोग्लॉसस, जो जिसकी मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बना दी है हेमिकॉर्डेट्स की. तो जो दीज आर गिल्सलेट्स, और ये गिल्सलेट्स किसके लिए होते हैं, फॉर रेस्पायरेशन पर्पज. दीज आर यू शेप्ड एंड दे आर फॉर रेस्पायरेशन पर्पजेस. ठीक है. तो बॉडी अनसेगमेंटेड है, बॉडी इज अनसेगमेंटेड, बॉडी इज वर्म लाइक and it is unsegmented. Body is unsegmented. Body unsegmented होती है इनकी, but body is divisible into three parts: proboscis, collar and trunk. Body तीन हिस्सों में बटी है. There are three divisions: proboscis, collar and trunk. ठीक है. और but body is unsegmented. इसमें कोई segmentation हमें देखने को नहीं मिलती है. Plus इसका जो glanoglossus है, glanoglossus को हम popularly acorn worm भी कहते हैं और tongue worm कहते हैं. इसकी जो अपीयरेंस है, देखा गया है इसकी अपीयरेंस एक एक्रॉन, एक्रॉन मींस अ टाइप ऑफ फ्रूट, उसी के जैसे होती है. तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, इट इज जस्ट लाइक, इसीलिए इसको कहा गया कि इट इज नोन एज एक्रॉन वर्म. ठीक है, एक्रॉन ऑफ द टंग वर्म. और ये बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, इट इज आई थिंक 1 to 2 सेंटीमीटर और कुछ इनकी लेंथ होती है. ठीक है. एंड दिस मेक्स द एंड ऑफ द हेमिकॉर्डेट्स. यहां तक हेमिकॉर्डेट्स क्लियर है. कहीं पर बुक्स पर लिखा गया है कि कॉलर इज फॉर एक्सक्रीशन पर्पज. बेसिकली कॉलर में क्या है, कॉलर में ग्लोमेरुलस है, जो ग्लोमेरुलस एक्ट करता है एज अ टाइप ऑफ किडनी, और जो एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन में मदद करता है. तो ये तो हेमिकॉर्डेट्स था. अब देखो हेमिकॉर्डेट्स का तो हो गया ये चक्कर कंप्लीट हमारा. नाउ वी विल टेक अप द कॉर्डेट्स. कॉर्डेट्स थोड़ा सा हम लेंगे आज,
कॉर्डेट्स, मोस्ट एडवांस्ड फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, कॉर्डेट्स। ये क्या है? दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड, मोस्ट एडवांस्ड फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा एडवांस्ड फाइलम कौन है? कॉर्डेट्स। और ये जो कॉर्डेट्स होते हैं, देखो कॉर्डेट्स, अगर मैं फाइलम कॉर्डेटा की बात करूं तो कॉर्डेट्स में फाइलम कॉर्डेटा जो है, फाइलम कॉर्डेटा इट कंटेन्स 45,000 स्पीशीज। इसमें कितनी स्पीशीज है? 45,000। एंड दिस टर्म कॉर्डेटा जो है, इट वाज टर्मड बाय बाल्फोर, टर्म कॉर्डेटा इट वाज गिवन बाय बाल्फोर, बॉलफोर ने टर्म कॉर्डेटा दिया। नाउ देखो, ये जो कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ फाइलम्स है इन द एनिमल किंगडम। और अगर मैं कॉर्डेट्स की बात करूं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, तो उसके लिए मैं यहां पर एक डायग्राम बना दूंगा, जिससे आपको आराम से पता चलेगा कि व्हाट एक्चुअली दीज कॉर्डेट्स आर। तो कॉर्डेट्स के बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे यहां पर। जो कॉर्डेट्स है ना, फाइलम जो कॉर्डेटा है, जो मैंने कहा कि एडवांस्ड फाइलम है, तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था गैरस्ट्रॉन्ग। गैरस्ट्रॉन्ग, अकॉर्डिंग टू गैरस्ट्रॉन्ग, ये जो फाइलम कॉर्डेटा है, दिस फाइलम कॉर्डेटा हैज बिन इवॉल्वड, ये इवॉल्व हुआ है। कहां से इवॉल्व हुआ है? फ्रॉम द इकाइनोडर्मेट्स। दैट मीन्स कॉर्डेट्स जो बने हैं वो कहां से बने? इकाइनोडर्मेट्स से बने हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गैरस्ट्रॉन्ग, कॉर्डेट्स आर इवॉल्व्ड फ्रॉम, कॉर्डेट्स आर इवॉल्व्ड, इवॉल्व्ड या डेवलप्ड या सिंपली इवॉल्व्ड फ्रॉम, एक्चुअली इकाइनोडर्मेट्स का एक लार्वा है, दैट्स ऑर्किलेरिया लार्वा, फ्रॉम और ऑर्किलेरिया। ये मैंने कल पढ़ाया है आपको, ऑर्किलेरिया लार्वा किसमें आता है? ऑर्किलेरिया लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेट्स। हॉलोथायरॉइडी, हाँ हॉलोथायरॉइडी एक क्लास था, उसमें कौन सा लार्वा आता था? ऑर्किलेरिया लार्वा आता था, ठीक है। तो आर्किलेरिया लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटस से कॉर्डेट्स इवॉल्व हुए हैं। इट वाज अ कांसेप्ट गिवन बाय द गैरस्ट्रॉन्ग। ये थिंकिंग थी किसकी? गैरस्ट्रॉन्ग की। गैरस्ट्रॉन्ग ने कहा कि जो कॉर्डेट्स है ये बेसिकली कहां से बने हैं? ये बेसिकली इवॉल्व हो गए हैं फ्रॉम द इकाइनोडर्मेट्स के आर्किलेरिया लार्वा से। तो आर्किलेरिया लार्वा किस वाले क्लास में आता है इकाइनोडर्मेट्स के? हॉलोथायरॉइडी क्लास, जिसमें हॉलोथायरॉन था, सीकिकम्बर, सीकिकम्बर जिसको हम कहते हैं हॉलोथायरॉन। तो उसी में एक लार्वा था, हॉलोथायरॉइड में एक लार्वा आता था उनकी डेवलपमेंटल स्टेट में, दैट लार्वा इज नोन एज ऑर्किलेरिया लार्वा। और ये जो कॉर्डेट्स हैं, ये कॉर्डेट जो होते हैं, कॉर्डेट्स अगर मैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है, अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल टाइम स्केल, कॉर्डेट्स कब इवॉल्व हो गए, डेवलप कब हो गए? तो इट वॉज ऑर्डो वैसियन पीरियड ऑफ पैलियोजॉइक एरा। पैलियोजॉइक एरा, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में पैलियोजॉइक एरा, और पैलियोजॉइक एरा में ऑर्डो वैसियन पीरियड, ऑर्डो वैसियन पीरियड ऑफ पैलियोजॉइक एरा। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल, अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल टाइम स्केल, कॉर्डेट्स हैव इवॉल्वड, कॉर्डेट्स आर डेवलप्ड, या कॉर्डेट्स कब आए वजूद में, कब आए? ज्यूरिंग द ऑर्डोवेंशियन पीरियड। ऑर्डोवेंशियन पीरियड में ये आए, और वो ऑर्डोवेंशियन पीरियड किस एरा में आया था? पैलियोजोइक एरा में। तो कभी कभार दिस में भी आस्क्ड, ये ऑब्जेक्टिव बन जाता है आपका, ऑर्डोवेंशियन पीरियड आ तो पैलियोजोइक एरा, कॉर्डेट्स इवॉल्व्ड ज्यूरिंग, कॉर्डेट्स कब इवॉल्व हो गए? ज्यूरिंग ऑर्डोवेंशियन पीरियड ऑफ द पैलियोजोइक एरा, एंड दिस इज द ऑब्जेक्टिव रिगार्डिंग द कॉर्डेट्स यहां पर। और ये तो कुछ नहीं है, ये आपको बस याद रखना है, ठीक है।
नाउ चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम कुछ और से इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कॉर्डेट्स के। नाउ कॉर्डेट्स को पढ़ने के लिए आई विल ड्रा हेयर अ डायग्राम। ओह माय गॉड, ये कुछ उल्टा ही बन गया। Now, this is a typical chordate. ये एक typical chordate मैंने बना दिया, ठीक है? Now, this is typical chordate. देखो, इस वाली डायग्राम से आपको सारे के सारे जो characteristics हैं mainly, वो आपकी क्लियर हो जाएगी। Now, this is the mouth. ये इसका क्या है? This is mouth, buccal cavity. This is the head region. This is eye. एंड दिस इज एनस। तो दैट मीन्स जो कॉर्डेट्स होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, ट्यूब इन द ट्यूब बॉडी प्लान है, लेकिन आप देख रहे हो एनस के पीछे यहां पर कुछ ये वाला रीजन है, दिस रीजन। एनस के पीछे एक रीजन है एंड दिस इज नोन एज टेल। और ये टेल क्या है? एनस के पीछे है, तो इसको हम कहते हैं पोस्ट एनल टेल। तो कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टेल होता है, प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल, दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। तो पोस्ट एनल टेल होता है, पोस्ट एनल टेल, ठीक है? तो अभी तक आपने किसी भी फाइलम में ऐसा कुछ तो नहीं देखा, लेकिन फाइलम कॉर्डेटा में देयर इज प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल मौजूद होता है। अब देखो यहां पर इनकी एलिमेंट्री कैनाल तो क्या है, इनकी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, ट्यूब इन द ट्यूब बॉडी प्लान है इनका। अब यहां पर देखो, यहां पर एलिमेंट्री कैनाल जो है, देखो यहां पर ये, यहां पर एक सॉलिड ट्यूब होता है, देयर इज अ सॉलिड ट्यूब। यहां पर एक सॉलिड ट्यूब होता है, दिस सॉलिड ट्यूब इज नोन एज नोटोकॉर्ड। ये क्या होता है? नोटोकॉर्ड, दिस इज नोटोकॉर्ड, सॉलिड ट्यूब होता है नोटोकॉर्ड। अब देखो क्योंकि कॉर्डेट्स क्या होते हैं, कॉर्डेट्स आर ट्रिप्लोब्लास्ट। कॉर्डेट्स क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें एक्टोडर्म होता है, इनमें मेसोडर्म होता है जो बीच की लेयर होती है, और इनमें एंडोडर्म होता है जो अंदर वाली लेयर होती है। तीन लेयर्स होते हैं। अब देखो, दिस इज एक्टोडर्म, नाउ दिस इज मेसोडर्म। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द मेसोडर्म, दिस इज द एक्टोडर्म एंड दिस इज द एंडोडर्म। ये क्या है? नाउ दिस इज एंडोडर्म। तो इनमें क्या होता है, ये जो मेसोडर्म है, मेसोडर्म इनमें एक सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, दैट सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड बन गया। नोटोकॉर्ड कहां से बन गया? नोटोकॉर्ड। अब देखो, नोटोकॉर्ड जो है, नोटोकॉर्ड कहां से बन गया? प्रेजेंस, मैं कहूंगा इनमें प्रेजेंस होती है किसकी? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। लेकिन नोटोकॉर्ड कैसा होता है? इट इज सॉलिड, सॉलिड होता है, डॉर्सल होता है, ठीक है? डॉर्सल साइड से, ये तो वेंट्रल साइड हो गया इसका, ये तो डॉर्सल साइड है। सॉलिड एंड डॉर्सल कॉर्ड होता है, डिराइव्ड फ्रॉम, कहां से बनाए हैं सॉलिड डॉर्सल कॉर्ड? ये कहां से बन गया? सॉलिड डॉर्सल कॉर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। ये कहां से बना है? मेसोडर्म से बना है।
तो जो ही ये मेसोडर्म से ये नोटोकॉर्ड बन गया। मेसोडर्म ने किसको बना दिया? सॉलिड डॉर्सल कॉर्ड को बना दिया, दैट इज नोन एज नोटोकॉर्ड। अब देखो इस मेसोडर्म क्या करेगा, मेसोडर्म इस एक्टोडर्म को कुछ यहां से कुछ केमिकल सिग्नल्स जाएंगी, कुछ केमिकल सेक्रीशंस यहां से जाएंगी मेसोडर्म से, इनकी सेल्स जो मेसोडर्म सेल्स है वो कुछ केमिकल सेक्रीशंस केमिकल सिग्नल्स भेजेंगी किसको, एक्टोडर्म की सेल्स को। तो ये जो केमिकल सिग्नल्स जाएंगी एक्टोडर्म की सेल्स को, ये केमिकल सिग्नल्स एक्टोडर्म को इंड्यूस करेगी टू फॉर्म ए हॉलो कॉर्ड, टू फॉर्म ए हॉलो कॉर्ड। तो देखो यहां पर अगर मेसोडर्म किसको एक्टिवेट कर रहा है, मेसोडर्म एक्टोडर्म को एक्टिवेट कर रहा है टू फॉर्म ए हॉलो कॉर्ड, दैट हॉलो कॉर्ड इज नोन एज नरु कॉर्ड। तो देखो नरु कॉर्ड बन गया, लेकिन नरु कॉर्ड कहां से बन गया, एक्टोडर्म से, और नरु कॉर्ड हॉलो होता है। ये तो सॉलिड था, दिस कॉर्ड वाज सॉलिड, ये जो नोटो कॉर्ड था इट वाज सॉलिड, ये सॉलिड था और ये मेसोडर्म से बना था। लेकिन उसके बाद मेसोडर्म ने एक्टोडर्म को क्या किया, मेसोडर्म ने एक्टोडर्म को एक्टिवेट किया। कैसे एक्टिवेट किया, बाय मेसोडर्म की सेल से कुछ केमिकल सेक्रीशंस कुछ सिग्नल्स निकल गई और उसने एक्टोडर्म को नरु कॉर्ड बनाने के लिए बोला। तो दिस इज नोन एज इंडक्शन। अगर एक टिश्यू, अगर मेसोडर्म यहां पर एक्टोडर्म को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है इन ऑर्डर टू फॉर्म द नरु कॉर्ड, दिस इज नोन एज इंडक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, अच्छी टर्म है ये, या आप याद रखोगे इंडक्शन। व्हाट इज इंडक्शन, इंडक्शन इज सिंपली अ प्रोसेस इन विच वन, जिसमें एक वन जर्म लेयर इज इंड्यूसिंग द अनदर जर्म लेयर टू फॉर्म द रेस्पेक्टिव स्ट्रक्चर। तो नर्व कॉर्ड कहां से बन रहा है, नर्व कॉर्ड एक्टोडर्म से बन रहा है, दिस इज एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्म है मेरा, दिस इज एक्टोडर्म, एक्टोडर्म से नर्व कॉर्ड बन रहा है, व्हाइलएज ये मेसोडर्म है, मेसोडर्म से क्या बन रहा है, मेसोडर्म से नोटोकॉर्ड बन गया। लेकिन मेसोडर्म ने किसको स्टिमुलेट किया, एक्टोडर्म को स्टिमुलेट किया। कैसे स्टिमुलेट किया, बाय सप्लाइंग सम सेक्रीशंस केमिकल सेक्रीशंस उसको दे दी और उससे बन गया यहां पर एक्टोडर्म से नर्व कॉर्ड बन गया, और ये नर्व कॉर्ड यहां पर है, दिस इज नर्व कॉर्ड, हॉलो डॉर्सल कॉर्ड, दिस इज नोन एज नर्व कॉर्ड। तो यहां पर एक हॉलो डॉर्सल कॉर्ड बन गया, दिस हॉलो डॉर्सल कॉर्ड इज नोन एज नर्व कॉर्ड। तो इसको हम क्या कहते हैं, नर्व कॉर्ड। ठीक है, तो नर्व कॉर्ड कहां से बनता है, इट इज, मैं यहां पर लिखूंगा इट इज हॉलो, नर्व कॉर्ड हॉलो होता है और ये डॉर्सल साइड में होता है और ये बना होता है फ्रॉम एक्टोडर्म, एक्टोडर्म से, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म। ठीक है, और इसी नर्व कॉर्ड से स्पाइनल कॉर्ड बनेगा, इसी से ब्रेन बनेगा। ठीक है, तो इट विल गिव राइज टू नर्वस सिस्टम, ये नर्व कॉर्ड नर्वस सिस्टम को, फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम कहां से हो जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम विल टेक प्लेस फ्रॉम द नर्व कॉर्ड। ठीक है, और दिस इज नोटोकॉर्ड, ये क्या है, दिस इज नोटोकॉर्ड। ठीक है, नाउ नोटोकॉर्ड जो है, यहां पर लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थिंक है, नहीं सही है। नाउ ये जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड देखो ऑब्जेक्टिव कभी कभार कैसे आ जाता है, एलिमेंट्री कैनाल ये है, दिस इज एलिमेंट्री कैनाल, ये नोटोकॉर्ड है। देखो आप नोटोकॉर्ड में याद क्या रखोगे, नोटोकॉर्ड क्या है, नोटोकॉर्ड एक सॉलिड डॉर्सल कॉर्ड, व्हाट इज नोटोकॉर्ड, इट्स अ सॉलिड डॉर्सल कॉर्ड एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। ठीक है, ये कहां से डिराइव होता है, मेसोडर्म से। देखो अब या तो इस पर ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ऐसे ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि नोटोकॉर्ड क्या ये हॉलो डॉर्सल है या इट इज सॉलिड डॉर्सल कॉर्ड, ऐसे ही ऑप्शंस होंगे वहां। तो आपको याद रखना है कि नोटोकॉर्ड इज सॉलिड एंड इट्स अ डॉर्सल कॉर्ड, ये पीछे की तरफ होता है, दिस इज द मेंटल साइड। अब देखो और एक ऑब्जेक्टिव कैसे आता है, टिपिकल ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनते हैं, दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल, दिस इज द नोटोकॉर्ड एंड दिस इज द नरु कॉर्ड। ऑब्जेक्टिव आएगा कि नोटोकॉर्ड इज वेंट्रल टू किसके है, वेंट्रल टू एलिमेंट्री कैनाल, और नोटोकॉर्ड इज डॉर्सल टू नरु कॉर्ड, और नोटोकॉर्ड इज वेंट्रल टू नरु कॉर्ड। अब देखो नोटोकॉर्ड क्या है, नोटोकॉर्ड इज डॉर्सल टू एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के डॉर्सल साइड पर है, तो ये आपको याद है, एलिमेंट्री कैनाल के डॉर्सल साइड पर है,
तो नोटोकॉर्ड इज डॉर्सल टू एलमेंटिक एनाल, बट इट इज वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड ऑन द वेंट्रल साइड, ये आगे है, ये नर्व कॉर्ड के आगे है, दैट मींस नोटोकॉर्ड इज वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड। तो सिंपली लोकेशन पर कभी कभार क्या आ जाता है, लोकेशन पर, नर्व कॉर्ड की लोकेशन पर कभी कभार एक टिपिकल सा ऑब्जेक्टिव बन जाता है। तो इसकी मैं सिंपल सी लोकेशन बताऊंगा, इट इज वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड बट इट इज डॉर्सल टू एलमेंट्री कैनाल, क्योंकि ये किसके दरमियान होता है नोटोकॉर्ड, इट इज बिटवीन द नर्व कॉर्ड एंड एलमेंट्री कैनाल, द लोकेशन ऑफ द नोटोकॉर्ड इज बिटवीन द एलमेंट्री कैनाल एंड नर्व कॉर्ड। ठीक है, तो अगर कभी कभार भी ऑब्जेक्टिव आएगा कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, लोकेशन ऑफ द नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इज वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड, ठीक है, तो अगर वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड है देन इट इज करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज इट इज वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड, ये नर्व कॉर्ड है, दिस इज नोटोकॉर्ड, तो वेंट्रल टू द नर्व कॉर्ड। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, वहां पर लिखा है इट इज डॉर्सल टू नर्व कॉर्ड, ऑप्शन इज रॉन्ग। अगर वहां पर एक और ऑप्शन है, इट इज डॉर्सल टू एलमेंट्री कैनाल, यस दैट इज करेक्ट ऑप्शन, इट इज डॉर्सल टू एलमेंट्री कैनाल बट इट इज नॉट वेंट्रल टू एलमेंट्री कैनाल। ठीक है, यहां तक तो हो गया क्लियर। और यहां पर देखो आप, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है दिस इज एनस, दिस इज माउथ, और ये वाला जो रीजन है दिस इज नोन एज फायरिंग्स, और यहां पर फायरिंग्स पर ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज आर नोन एज फेरेंजियल गिल सिलेट्स। तो फेरेंजियल गिल सिलेट्स होते हैं फायरिंग्स रीजन में, ठीक है, दिस इज गिल सिलेट्स, तो फेरेंजियल गिल सिलेट्स, फेरेंजियल गिल सिलेट्स इसमें होते हैं, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल सिलेट्स। तो देखो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अभी पढ़ रहे हैं किनके, कॉर्डेट्स के, प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनर टेल क्लियर है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड क्लियर है, नोटोकार्ड डॉर्सल होता है, सॉलिड होता है, मेसोडर्म से बना हुआ होता है, प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड भी हॉलो, नर्व कॉर्ड हॉलो होता है, डॉर्सल होता है और एक्टोडर्म से बना हुआ होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप नर्व कॉर्ड की बात करोगे नॉन कॉर्डेट्स में, जो नर्व कॉर्ड था नॉन कॉर्ड कॉर्डेट्स में, नर्व कॉर्ड जो था दैट इज ऑन द वेंट्रल साइड, वो वेंट्रल साइड से था, जैसे कि आपने लिखा होगा, अगर आप चेक करोगे, अगर आपने नोट्स भी बनाए होंगे मेरे लेक्चर्स को देखे हुए, तो वहां पर मैंने आपको बताया जब भी हम नर्वस सिस्टम लेते थे नॉन कॉर्डेट्स का, तो मैं कहता था कि इनमें गैंग्लिया होता था, फिर ऑन द वेंट्रल साइड से दो नर्व कॉर्ड्स निकलते थे, तो उनमें सॉलिड सॉलिड नर्व कॉर्ड्स होते थे, ठीक है, सॉलिड नर्व कॉर्ड्स में होते थे और वो भी होते थे ऑन द वेंट्रल साइड, लेकिन कॉर्डेट्स में डॉर्सल साइड में नर्व कॉर्ड होता है और ये हॉलो होता है, इट इज हॉलो, ठीक है, और एक्टोडर्म से ये बना हुआ होता है, याद तक क्लियर है। और मैंने कहा कि इसमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड होता है, नर्व कॉर्ड भी होता है, फेरेंजियल गिल सिलेट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं कॉर्डेट्स में, बाकी तो इसमें सिंपल है वही, बाकी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्यूब विद इन ट्यूब, बॉडी प्लान है इसका, और ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल सिलेट्स। इन्हीं पर देखो, इन्हीं पर हम कह सकते हैं कि जिसमें ये चीजें हो सकती है, जिस ऑर्गेनिज्म में फेरेंजियल गिल सिलेट्स होंगे, पोस्ट एनल टेल होगा, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड ए कॉर्डेट, उसी को हम कॉर्डेट कहते हैं, बाकी ट्यूब इन द ट्यूब, बॉडी प्लान, वो बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड वोटोकॉर्ड यही तो तीन कैरेक्टरिस्टिक ऐसे है जो बाकी नॉन कॉर्डेट से इनको अलग करते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कॉर्डेट्स, ये कॉर्डेट्स के बारे में थोड़ा सा था इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स द कॉर्डेट्स, तो कल आगे हम कॉर्डेट्स कल पढ़ेंगे। तो यहां पर अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले, बट आई थिंक स्क्रीनशॉट ठीक है, आप वीडियो तो है, चलिए। तो यहां पर मैं थोड़ी सी डिफरेंस कराऊंगा आपको कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स के दरमियान, तो फॉर योर मेमोरी पर्पजेस वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में हम थोड़ी सी डिफरेंस करेंगे, चलिए जी। कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में डिफरेंस हम करेंगे। नो पोस्ट एनल टेल, इनमें कोई पोस्ट एनल टेल नहीं होता है, इनमें प्रेजेंस प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल, प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं लिखूंगा प्रेजेंस ऑफ
या मैं कहूंगा यहां पर नोटो कार्ड इज एबसेंट, नोटो कार्ड प्रेजेंट। नोटो कार्ड एबसेंट है इनमें, नोटो कार्ड प्रेजेंट होता है इसमें। इसमें नोट, इसमें टेल जो है, तो टेल मैंने क्या कहा, इनमें नो पोस्ट है ना टेल, इनमें टेल प्रेजेंट होता है। इनमें नोटो कार्ड क्या है, इनमें नोटो कार्ड एबसेंट है, इनमें नोटो कार्ड प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूं किसकी, गिल सिलेट्स की, गिल सिलेट्स, तो इनमें नो गिल सिलेट्स, इनमें गिल सिलेट्स नहीं होते हैं, इनमें प्रेजेंस होती है, गिल सिलेट्स आर प्रेजेंट, ठीक है, इनमें गिल सिलेट्स होते हैं। ये तो हो गया। और देखो इनमें एक और चीज होती है, दैट इज इनमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करूं तो इनमें गैंग्लियोनिक नर्वस सिस्टम होता है, गैंग्लियोनेटेड नर्वस सिस्टम। लेकिन इनमें नर्वस सिस्टम होता है, इट इज कंप्राइज्ड ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, दैट मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, प्रेजेंस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की प्रेजेंस किसमें होती है, वो कॉर्डेट्स में होती है। तो देखो इसी तरीके से पोजीशन ऑफ हार्ट, अगर मैं ले लूं पोजीशन ऑफ हार्ट जो है, हमने कहा था अभी हमने हेमी कॉर्डेट भी ले लिया, हेमी कॉर्डेट में डार्स साइड से हार्ट था, लेकिन जो कॉर्डेट्स होते हैं इनमें वेंट्रल साइड, ट्वेलमेंट्री कैनाल, अभी मैंने वो डायग्राम दिखाई थी, ऑन द वेंट्रल साइड ही कौन होता है, हार्ट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड, हार्ट ऑन वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड, तो इनमें हार्ट होता है ऑन द डॉर्सल साइड, हार्ट ऑन डॉर्सल साइड, हार्ट ऑन डॉर्सल साइड। तो दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। आई होप के कॉर्डेट्स और जो हेमिकॉर्डेट्स है, ये आज का लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है, और इन वीडियोस को शेयर करो सो दैट एवरीवन विल गेट बेनिफिट।